प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए शुरू किए गए गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने साल सरकारी खरीद 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखी, जबकि निजी आढ़तों पर 2025 की दर से खरीदी जा रही है। यही अंतर किसानों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। जिला खाद्य वितरण अधिकारी संतोष कुमार पटेल ने तेजस खबर को बताया कि जिले में 58 क्रय केंद्र खुले हैं। किसानों के भुगतान के रुकने पर पटेल बोले, उन्हीं किसानों की उपज बिक्री का भुगतान रुकता है जिनका खाता नंबर सही नहीं होता। किसानों को NPCI के तहत खाता पंजीकृत कराना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि पहले ऑनलाइन टोकन का सिस्टम था, जबकि इस वर्ष से मैनुअल में कर दिया गया है ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो। अभी वर्तमान में जनपद में 58 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में क्रय केंद्र जो नियमानुसार है ये बना दिए गए हैं। वो सारी व्यवस्थाएँ भी पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक क्रय केंद्र पर कृषकों की सुख सुविधा की भी व्यवस्था की गई, जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, बैठने के लिए छाया स्थान जगह है। तो खरीद के संबंध में सारी तैयारियाँ ओके हैं। अच्छा, टोकन पहले ऑनलाइन चलते थे, इस बार मैनुअली भी समझ में आ रहे हैं विभाग द्वारा बताया गया आपके द्वारा। जी, उसका क्या प्रोसेस? ऑनलाइन टोकन नहीं है इस बार। जब भी कृषक बंधु को कोई जरूरत अपना गेहूँ विक्रय करना होगा, इस केंद्र पर आकर जो अपना रजिस्ट्रेशन सर्वप्रथम कराएंगे और उन्होंने केंद्र पर आकर अपना केंद्र प्रभारी संपर्क कर लेंगे। उस दिन जो दिया जाएगा समय उस दिन अपना ले जाएंगे, जिससे किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। अच्छा, इटावा सदर में कितने क्रय केंद्र खुले हुए हैं? इटावा सदर में तहसील व कई केंद्र बनाए गए हैं। मंडी इटावा मंडी में जो 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जो खाद विभाग के भारतीय खाद के। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकारी तय मूल्य से अधिक किया जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? क्या चीज़? सरकारी जो मूल्य तय करे गए हैं उससे ज़्यादा बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है? अभी जो मार्केट रेट ऊपर है, अभी जैसे आज ही मैंने मंडी सचिवों से, यहाँ 3 मंडियाँ हैं, तीनों से रेट लिया है। एक जगह पर 2025 रुपया रेट है इटावा मंडी में, 2088 रुपया जसवंत नगर मंडी में, 2050 रुपया भरथना मंडी में है। तो इससे कृषकों को सुविधा है, वो अपने सुविधा अनुसार अधिक से अधिक उनको लाभ MSP से ऊपर मिल रहा है। तो जैसे लापरवाही जैसे किसी के द्वारा बरती जाएगी तो उसमें क्या विभाग द्वारा कार्रवाई? इसमें जिलाधिकारी महोदय का और शासन द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर अगर कृषकों को परेशान करने का प्रयास किया गया या गलत कार्य किया गया तो उनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो उनके विरुद्ध सीधे विधिक कार्रवाई भी लाई जाएगी।